आज जरूरत है इस देश के स्तंभों को बचाने की, स्वतंत्र एजेंसीज को बचाने की, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, हमारी यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षण संस्थाएं हो, हमारा सदन हो, हमारी पार्टियां हो, रीजनल पार्टियां हो, कांग्रेस हो, विपक्ष हो। आज जिस तंत्र लोकतंत्र की हत्या इस देश में विराजमान सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, आज से पहले कभी भी इस देश में इस तरह की हरकतें नहीं हुई। इस देश को आज जरूरत है कि लोग डरे हुए हैं, अग्निवीर विरोध करते हैं तो उनपे केस होता है, बेरोजगारी का विरोध होता है तो उसपे केस होता है। मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है, चूंकि मैं राजनीतिक संकल्प के लिए यहां खड़ी हुई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आज ये कबीर जी का दोहा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि हमारे देश के सत्ता पे जो लोग विराजमान हैं, ये दोहा उनसे बिल्कुल भी उनका साथ देता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन हमारे देश का सिद्धांत, कबीर का सिद्धांत है, नानक का सिद्धांत है, बुद्ध का सिद्धांत है, मौलाना का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भुलाने की जो पार्टी इस सत्ता में है, मैं इसलिए नहीं कह रही कि कांग्रेस आज विपक्ष में है इसलिए हम लोग महाधिवेशन करेंगे और संकल्प लेंगे। सदन में हमारा मुंह बंद किया जाता है, अगर हम आपसे घोटालों की बात करते हैं हम लोगों को धमकाया जाता है, प्रिविलेज मोशन में लेके आया जाता है, अगर हम बाहर बातें करते हैं तो ईडी हेराल्ड के मामले में हमारे नेताओं को 60-60 घंटे बैठा कर बातें की जाती है, पूछताछ की जाती है, हरास किया जाता है। आप सबको मालूम है कि जब जुलाई में हेराल्ड के नाम पर माननीय राहुल गांधी जी को किस तरह से हरास किया गया, मैडम सोनिया जी को किस तरह से हरास किया गया, खड़गे साहब को किस तरह से 12-12 घंटे बैठाया गया। आज बहुत जरूरत है कि हम सब मिलकर अपनी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता में आने के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के जोड़ने की परंपरा को बचाने के लिए और इस देश की सभ्यता को बचाने के लिए हम सब संकल्प लेने के लिए आए हैं, राजनीतिक संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हम सारी स्वतंत्र एजेंसीज का रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, हम भारत को जोड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम हाथ से हाथ जोड़ने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम महंगाई को कम करने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम बेरोजगारी को कम करने की जिम्मेदारी लेते हैं। आज 5 महीने 133 दिन राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, वो अपने लिए नहीं की, सिर्फ अपने पार्टी के लिए नहीं की। इस देश को आज जरूरत है कि लोग डरे हुए हैं, अग्निवीर विरोध करते हैं तो उनपे केस होता है, बेरोजगारी का विरोध होता है तो उसपे केस होता है। राजनीतिक पार्टियां अगर अपने सिद्धांत पे, उनके नीतियों पे कटाक्ष करती है तो उनपे केस होता है, उन पर ईडी के छापे पड़ते हैं। जिस तरह छत्तीसगढ़ में इस महाधिवेशन से पहले लगातार हरास करने की कोशिश की जा रही है, हम सब यहाँ इस अधिवेशन से ऐलान करते हैं कि डराने वालों का इतिहास है कि डराता वो है जो खुद डरता है, और वो लोग कभी नहीं डराते हैं जो खुद भी नहीं डरते हैं। उनके अहंकार पे एक और दोहा मैं बोलना चाहूंगी कि तिनका कभू ना निंदिए जो पावन तय होए, उस तिनके को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पांव के नीचे होता है, कभू उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनीरी होए, कभी भी उड़कर जब वो आंख में पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है और आपको देखना भी बंद हो जाता है। तो मैं फिर कहूंगी कि जो आज सत्ता पर है उनसे हम लोगों को पूछना पड़ेगा कि हमारे कबीर के दोहे को आप अलग करके जिस तरह कितना खिलाएंगे, कितना खाएंगे, कितने अपने मित्रों को लुटवाने का काम करेंगे देश को, ये आपको देश को बताना पड़ेगा।